स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। नमस्ते दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग में हम कांदा भाजी के पकोड़े बनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, तो चलिए दोस्तों हम बताते हैं आपको कैसे कांदा भाजी के पकोड़े बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले कांदा भाजी को तोड़ के ले आते हैं। तो दोस्तों सोनिया जी ये सूपा लेके आ गए हैं, इसमें हम कांदा भाजी तोड़ के रखेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं, ये हमारे बाड़ी में कांदा भाजी लगा हुआ है और यहाँ पर देखिए ये मक्के के पौधे भी बड़े होने लगे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर। और देखिए दोस्तों ये है कांदा भाजी, इसको हम कांदा भाजी कहते हैं छत्तीसगढ़ में। तो सोनिया जी अब तोड़ने लगी हैं इसके पत्ते। तो दोस्तों इसको सब्जी भी बनाकर खाते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसको स्वीट पोटैटो कहते हैं दोस्तों इंग्लिश में, शकरकंद कहते हैं हिंदी में। और इसका जो कंद होता है वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है, वो उसको भी खाते हैं। और इसका जो भाजी है पत्तों की सब्जी बहुत ज़्यादा खाई जाती है छत्तीसगढ़ में। तो सोनिया जी तोड़ रहे हैं, मैं भी अब कांदा भाजी थोड़ा तोड़ने में मदद कर देता हूँ सोनिया जी की। इसके नरम नरम मुलायम पत्तों को हम तोड़ेंगे। तो दोस्तों अभी हमने कांदा भाजी तोड़ाई कर लिया है, देख सकते हो यहाँ पर इतना भाजी काफी है। तो चलिए अब आगे इसकी तैयारी करते हैं। तो दोस्तों भाजी को पानी से अच्छे तरह धो देंगे। ये देखिए पानी में भाजी को डाल रहे हैं और इसमें जो भी मिट्टी वगैरह होगा वो निकल जाएगा। तो देखिए दोस्तों भाजी को हमने पानी से साफ कर दिया है, इसको धोकर साफ कर दिया है। अब चलिए इसके पकोड़े बनाते हैं। दोस्तों कढ़ाई में तेल को हम डाल रहे हैं, तेल जब तक गर्म होगा तब तक हम कांदा भाजी को काट कर उसको तैयार कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों अभी सोनिया जी इसमें कढ़ाई में तेल डाल रही हैं। तो देखिए दोस्तों सोनिया जी यहाँ पर कांदा भाजी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट रही है। बारीक बारीक इस तरह से टुकड़ों में कांदा भाजी को काटा जाएगा। तो देखिए दोस्तों कांदा भाजी हमने काट लिया है, ये देखिए सोनिया जी ने कांदा भाजी को काट कर तैयार कर लिया है। बेसन को दोस्तों छान लेंगे, बेसन को यहाँ पर सोनिया जी छान रही हैं। इसमें नमक और मिर्च डाल रही हैं ताकि इसमें स्वाद अच्छा आए। और उसके बाद कांदा भाजी को बेसन में डालकर इसको मिक्स किया जाएगा। ये देखिए दोस्तों सभी कांदा भाजी को हमने बेसन में डाल दिया, अब इसमें पानी डाल के इसको सोनिया जी मिक्स करेंगी। ये देखिए दोस्तों इसमें बेसन में थोड़ा सा पानी डाला गया है और कांदा भाजी और बेसन को अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स किया जा रहा है।
बेसन को अच्छी तरह से फेटा जा रहा है ताकि जो भजिए बनेंगे वो अच्छे मुलायम बनेंगे, इसलिए इसको अच्छी तरह से मिक्स करके फेंट रही हैं। बेसन को अच्छी तरह से फेटा जा रहा है ताकि बेसन और भाजी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और भजिए नरम बने। तो देखिए दोस्तों, अब सोनिया जी भजिए डाल रही हैं कढ़ाई में। ये देखिए भजिए डाल रही हैं कढ़ाई में, अच्छे से तेल गरम हो गया है। देखिए दोस्तों, कढ़ाई में भजिए डाल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, एक बारी में कढ़ाई देखिए फुल हो गया है, इतना अभी भजिए हमने डाल दिए हैं। ये जब पक जाएंगे उसके बाद फिर दोबारा से डालेंगी। तो देखिए दोस्तों, भजिए अच्छी तरह से तेल में तल रहे हैं। देखिए दोस्तों, कढ़ाई को चलाते हुए ताकि ये भजिए जो है सभी तरह से अच्छे से फ्राई हो जाएं, अच्छे से पक जाएं। तो देखिए दोस्तों, भजिए हमारे तैयार हो चुके हैं, पक चुके हैं। अब सोनिया जी इसको निकाल रही हैं। बाकी जो भजिए हैं इनको फिर से सोनिया जी डाल रही हैं। ये भी भजिए तैयार हो गए हैं, अब इसको सोनिया जी निकाल रही हैं। तो देखिए दोस्तों, ये भी भजिए हमारे तैयार हो गए हैं और जितना भी अभी बचा हुआ है उसको एक बार में फिर से इसको निकाल देंगी। तो दोस्तों, जितना भी अभी बचा हुआ है सबको अब सोनिया जी डाल रही हैं भजिए को। सब भजिए को डाल दिए हैं दोस्तों यहाँ पर। कांदा भाजी के पकोड़े बनकर तैयार हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।